जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप? आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। सोते समय तकिए के पास रखें ये चीजें, आइए जान लेते हैं इसके बारे में। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सामान की जो अगर आप सोते समय तकिए के पास रखेंगे तो इससे सकारात्मक ऊर्जा आएगी और आपको विशेष फायदे मिलेंगे। आमतौर पर हम देखते हैं कि अगर रात की नींद हमें अच्छी आती है तो इससे सुबह उठकर हम बहुत ही तरोताजा महसूस करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी चीजें जिनको आपको सोते समय तकिए के पास रखना है। अगर आपको परीक्षा का भय सताता है तो इसके लिए प्रतिदिन देवी सरस्वती के सामने दिया जलाएं और किताबों को तकिए के पास रखकर सोएं। इससे सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आपको बुरे सपने आते हैं या फिर किसी चीज से डर लगता है तो सोने से पहले हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें और फिर उसे अपने सिरहाने के पास रखकर सोएं। प्रतिदिन ऐसा करने से सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और सकारात्मकता का संचार होगा। तकिए के पास लोहे से बनी हुई कोई वस्तु अगर आप रखते हैं तो इससे नकारात्मकता दूर होती है। इसके साथ ही अगर आप बिस्तर के पास एक ग्लास पानी रखते हैं तो ये सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींच लेता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा हो जाती है। मान्यता ये भी है कि लहसुन सौभाग्य का प्रतीक होता है। उसे जेब अथवा सोते समय तकिए के नीचे रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके साथ ही अगर दुर्गा सप्तशती को सोते वक्त तकिए के पास रखा जाए तो डर, चिंता और तनाव से निजात मिलता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।